दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो आई होप आप लोग ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, आज की जो वैकेंसी है आप लोगों की नोएडा लोकेशन की तरफ से आ रही है। तो गाइस, यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट की डिमांडेबल ये जो वैकेंसी रहती है कि सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट की जो फेवरेट जगह है वो नोएडा ही है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं कि नोएडा लोकेशन का जितना भी जॉब हो वो बताइए। और साथ में मैं आप लोगों को एक मेन पॉइंट यहाँ पर बताने वाली हूँ कि यहाँ पर देखिए अप्लाई करने का तरीका, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं रहता है कि किस तरीके से करना है। अब यहाँ पर आप लोग की जो कंपनी है, पहले उसका नाम जान लीजिए, सुब्रोज। सुब्रोज को मैं थोड़ा एक बेसिकली रूप में बताऊँ तो ये देखिए यहाँ पर मैन्युफैक्चर करती है। जैसे देखिए आप लोगों की जो कार होती है, कार हो गया जैसे टाटा कार हो गया, या फिर टाटा वगैरह की जो मारुति सुजुकी वगैरह, ये सारी जो कार्स होती हैं इनके अंदर जो एसी लगाया जाता है उस एसी को यहाँ पर मैन्युफैक्चर किया जाता है। ये बेसिकली जो कंपनी है एक तरीके से मैकेनिकल बेस्ड है, बट यहाँ पर जो आप लोग जानते हैं कि इंजीनियर्स हर जगह काम आते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के स्टूडेंट्स को लिया जाता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं एसी में वायरिंग तो होती ही होगी, और जहाँ वायरिंग जहाँ इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो गाइस, यहाँ पर मैंने कुछ टाइम पहले एक और वैकेंसी डाली थी जो सुब्रोज की ही थी, बट वहाँ पर एक कंडीशन थी कि जो हमारे डिप्लोमा वाले स्टूडेंट हैं ओनली ऑन वही जा सकते हैं। अब यहाँ वैकेंसी में क्या चेंजेस आया है वो जान लीजिए। गाइस, यहाँ पर जो हमारे डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं वो तो यहाँ पर जा ही सकते हैं, मतलब अप्लाई कर ही सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर आईटीआई वाले स्टूडेंट भी एलिजिबल हैं, उनके लिए भी ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, वो लोग जा सकते हैं। अब मेन बात करते हैं कि यहाँ पर एक कंडीशन और थी कि यहाँ पर ओनली ऑन जो गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेज से जिन्होंने पॉलिटेक्निक किया है वही जा सकते थे। लास्ट वैकेंसी में ये मेन कंडीशन थी, बट इस वैकेंसी के लिए मैं यहाँ पर अच्छे से सुनना गाइस, तभी जाना, उससे पहले मत जाना। आप लोग वैकेंसी को जो है ध्यान से नहीं सुनेंगे, आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन मत लेना प्लीज़। तो आप लोग यहाँ पर देखिए प्राइवेट और यहाँ पर जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, जैसे गवर्नमेंट हो गया या फिर प्लस एडेड कॉलेज जो होते हैं, इन तीनों कॉलेजेस के जा सकते हैं। तो किस तरीके से जाएंगे वो मैं बताऊंगी, ठीक है। साथ में मैं आप लोगों को यहाँ पर ये भी क्लियर कर देती हूँ गाइस, यहाँ पर जो हमारे पास आउट छात्र, मतलब बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट एलिजिबल हैं। अगर आप एक्सपीरियंस हो तो बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं हो। अगर एक्सपीरियंस हो तो प्लीज़ आप लोग इस वैकेंसी के लिए बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि ये एक्सपीरियंस वालों के लिए बिल्कुल नहीं है। ऑल जोन ये फ्रेशर्स के लिए, 1 ईयर एक्सपीरियंस है तो भी नहीं। अगर 6 मंथ का है तो मे बी आप लोग जा सकते हैं, बट अगर 1 ईयर का अप्रेंटिस कर लिया है आपने तो आप लोग नहीं जा सकते। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट का क्वेरी रहेगा कि यहाँ पर आप लोगों की अप्रेंटिस रहेगी या जॉब, तो मैं आप लोग को बता दूँ बेसिकली यहाँ पर जॉब रहेगी, बट आप लोग को फर्स्ट ईयर में अप्रेंटिस के तौर पर रखा जाएगा। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर जो है नेक्स्ट मतलब सेकेंड मंथ की सैलरी इंक्रीज कर दी जाएगी, साथ ही साथ आप लोग की पोजीशन भी इंक्रीज हो जाती है, तो इस अकॉर्डिंग आप लोग का यहाँ पर रहता है। अब बात कर लेते हैं गाइज यहाँ आप लोगों की अप्लाई प्रोसेस की। तो गाइज ये बेसिकली वॉक इन इंटरव्यू रहेगा। वॉक इन इंटरव्यू आप लोग सभी लोग जानते होंगे, वॉक इन इंटरव्यू का मतलब होता है जिस भी लोकेशन पर ये कंपनी है या फिर जिस लोकेशन पर इनके HR बुला रहे हैं इंटरव्यू के लिए, तो उस लोकेशन पर आप लोग को जाना होगा। तो मैं हमेशा आप लोगों के लिए प्रेफर क्यों करती हूँ वॉक इन इंटरव्यू के लिए, और हमेशा फोर्स डालती हूँ कि आप लोग वॉक इन इंटरव्यू के लिए ज़रूर जाएँ, बिकॉज गाइज क्या होता है कि वॉक इन इंटरव्यू में डायरेक्ट आप लोगों से HR बात कर रहे होते हैं, ठीक है। बट अगर आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो ऑनलाइन में क्या होता है, बहुत ज्यादा मतलब प्रोसेस हो जाता है। जैसे सबसे पहले आप लोग का रिज्यूम देखा जाता है, उसके बाद रिज्यूम शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है, फिर उसके बाद तब आपको यहाँ पर मेल आता है, तब जाके आपका इंटरव्यू होता है, फिर सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, ये बहुत सारे राउंड हो जाते हैं, तब आपको सिलेक्शन मिल पाता है। तो ये कुछ रीजंस हैं, एक तरीके से डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं जो है, बट जो हमारे स्टूडेंट जा नहीं पाते उनके लिए तो एडवांटेज ही है ऑनलाइन का। लेकिन मैं इसीलिए बोलती हूँ अगर ऑफलाइन कैंपस है तो उस कैंपस में जरूर भाग लें, क्योंकि वहां पर आप लोग के 100% चांसेस होते हैं सिलेक्शन होने के। तो गाइस यहां पर आप लोगों का सुब्रोज की तरफ से लोकेशन नोएडा है, तो चलिए मैं आप लोगों को पूरा डिटेल बता देती हूं, वैकेंसी भी दिखा देती हूं। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ हमारी ये वैकेंसी ओपन हो चुकी है, और ये जो वैकेंसी है सुब्रोज नोएडा की तरफ से है। यहाँ देखिए मेन चीज़ बात कर लेते हैं रिक्रूटमेंट की, ऑफ कैंपस मतलब ओपन कैंपस यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकल कर आ रही है डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, साथ ही साथ ITI वालों के लिए। ये दो वैकेंसी हैं जो मतलब दो लोगों के लिए हैं, ITI और डिप्लोमा होल्डर दोनों के लिए। जो हमारे डिप्लोमा होल्डर हैं उनके लिए, जो डिप्लोमा वाले हैं सिर्फ उनके लिए तो गवर्नमेंट कॉलेज, और जो गवर्नमेंट से एडेड हैं कॉलेज, मतलब जैसे एक होता है गवर्नमेंट कॉलेज होता है प्योर, दूसरा होता है एडेड कॉलेज होता है, ठीक है, वो कॉलेज वाले यहाँ पर जा सकते हैं।
डिप्लोमा में, लेकिन डिप्लोमा में प्राइवेट कॉलेज वाले एलिजिबल नहीं है, इस चीज़ का ध्यान दीजिए। आईटीआई वाले जो है उसमें गवर्नमेंट कॉलेज वाले एलिजिबल है, प्राइवेट कॉलेज वाले भी एलिजिबल है, साथ ही एडेड है तो भी चलेगा। तो आईटीआई वाले प्राइवेट कॉलेज वाले जा सकते हैं, मैं डिप्लोमा वालों के लिए नहीं बोल रही हूँ कि यहाँ पर जा सकते हैं, ये ध्यान दीजिए। और यहाँ पर आप लोग की जो ज्वाइनिंग होगी, यहाँ पर देख सकते हैं जो है आप लोग की पुरानी लोकेशन है, मतलब यहाँ पर B18 Phase 2 यहाँ पर है नोएडा में। ऑफर मतलब जो आप लोग का यहाँ पर इंटरव्यू डेट है, इंटरव्यू डेट 21 अप्रैल दिया गया है और टाइम आप लोग का 8 बजे, मतलब 8 AM आप लोग का दिया गया है, इस टाइम से पहले पहले आप लोग को पहुँचना है। वेन्यू आप लोग का मैं पूरा बता देती हूँ, लोकेशन आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना गाइज, यहाँ पर V18 Phase 2 नियर ओल्ड कोर्ट नोएडा गौतम बुद्ध नगर UP। पोस्ट क्या रहेगा, देखिए डिप्लोमा वालों के लिए और आईटीआई वालों के लिए अप्रेंटिस का रहेगा रोल, उसके बाद आप लोग को यहाँ पर जो है नेक्स्ट मतलब आप लोग की इंक्रीज की जाएगी सैलरी वगैरह नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो मेन चीज़ दी गई है वो है थर्ड पार्टी रोल। गाइज यहाँ पर कोई भी थर्ड पार्टी रोल नहीं है, मतलब कोई भी थर्ड पर्सन अगर आपसे कोई भी पैसे चार्ज करता है तो आप डायरेक्ट इन्हें कंप्लेंट कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी प्रकार का पैसा चार्ज ना करें। इन्होंने पहले ही बोल दिया कि यहाँ पर कोई भी पैसा नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर इमीडिएटली ज्वाइनिंग है, अगर आपके यहाँ पर ज्वाइनिंग होती है तो इमीडिएटली आप लोग को यहाँ पर जाना होगा। लोकेशन गाइज आप लोग की दे रखी है, देखिए यहाँ पर पूरा लोकेशन दिया गया है, ये देख लीजिए। और यहाँ पर सबसे मेन बात यह है गाइज, यहाँ पर ऑनली ऑन मेल कैंडिडेट एलिजिबल हैं, फीमेल्स एलिजिबल नहीं हैं, तो प्लीज़ मेल कैंडिडेट ही जाएं। अब पासिंग ईयर देख लीजिए 19, 20, 21, तो ये छात्र जा सकते हैं, 2022 वालों के लिए ये नहीं है। ब्रांच भी जान लीजिए गाइज, जो डिप्लोमा की ब्रांच है जैसे मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, RAC, प्रोडक्शन, साथ ही इलेक्ट्रिकल, ये ब्रांच हमारी एलिजिबल है। लेकिन आईटीआई वालों के लिए जैसे फिटर, टर्नर, इंस्ट्रूमेंट, मैकेनिक, मेंटेनेंस, और ये जो है आप लोग की मेंटेनेंस बेस्ड, मतलब आप लोगों को यहाँ पर परफॉर्मेंस के बेस्ड आप लोगों को यहाँ जो है प्रमोशन मिलेगा। या और साथ में जहाँ टोटल वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी तो हमेशा ज़्यादा ही रहती है, 300 करीब वैकेंसी है। न्यू लेटेस्ट अपडेट आ रही है तो आप लोग, मैं आप लोगों को हैंड टू हैंड मैं इसका फ़ोन नंबर भी देती हूँ कि कॉल भी कर सकते हैं आप लोग जाने से पहले। एज लिमिट मिनिमम 18 ईयर, मैक्सिमम 25। स्टाइप पेड थोड़ा कम रहेगा गाइज, तो स्टाइप पेड देखिए इस टाइम कम है, लेकिन लास्ट टाइम जब मैंने वैकेंसी लेकर आई थी, आई मीन 5 to 6 months पहले जब इसकी वैकेंसी निकली थी तो उस टाइम काफ़ी ज़्यादा था, मतलब 12,000 था इसका जो है, 12,000 इसका सैलरी पैकेज था। तो इस बार बहुत कम रखा गया है एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि डिप्लोमा वालों के लिए 10,000 था, लेकिन और आईटीआई वालों के लिए 8,000, और साथ में अटेंडेंस अवार्ड, तो अटेंडेंस अवार्ड तो आप मतलब मैं जो है आप लोग गिने ही ना, क्योंकि ये तो जो है आप लोग का खाने वगैरह में ही चला जाता है। साथ में देखिए कुछ बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कैंटीन हो गई, और 2-3 दिन के लिए आप लोगों को रहने का भी मिल जाता है, ये चीज़ें कुछ मिलती हैं। टाइमिंग आप लोगों की देख लीजिए 8 बजे से 10 बजे तक है। साथ ही देखिए गाइज, यहाँ आप लोगों को अप्लाई करने के लिए किसी भी लिंक पर अप्लाई नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान दीजिए, कोई भी लिंक अप्लाई नहीं करना है, आप लोगों को डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना होगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना वो देख लीजिए, जैसे अगर आपने डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा की मार्कशीट लेके जाएं, या आईटीआई की 60% मार्क्स होने चाहिए गाइस सभी में, तभी आप एलिजिबल हैं, अगर नहीं है 60% तो ना जाएं। 10th और 12th में अगर 60% है तो जा सकते हैं, अगर नहीं है तो चल जाएगा, लेकिन डिप्लोमा और आईटीआई में ज़रूर होना चाहिए। आधार कार्ड लेके जाएँ, फोटो लेके जाएँ, पासपोर्ट साइज और मेडिकल सर्टिफिकेट, अगर मेडिकल सर्टिफिकेट स्टार्टिंग में नहीं ले जा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, 2-3 दिन ज्वाइन करने के बाद उनसे बोल दीजिए, आप 2-3 दिन बाद दे देंगे, तो उसके बाद इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। साथ ही देखिए यहाँ पर आप लोग कॉपी ले जाएंगे बुक की, पेन कार्ड, रिज्यूम, फाइनल वैक्सीनेशन, अपना NETS पोर्टल पर जो आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया होगा उसकी कॉपी लेकर जाए। साथ ही यहाँ पर देखिए आप लोगों को फैसिलिटी भी मिलेगी, फैसिलिटी दिखाई गई है यहाँ पर, कैंटीन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, साथ ही साथ गेस्ट हाउस भी दिया जाएगा 2-3 दिन के लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर फ़ोन नंबर दिया गया है तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पर देखिए जो मिस्टर विवेक श्रीवास्तव जी हैं ये हमारे HR हैं, यहाँ पर एक और जो ऋषभ कुमार तिवारी जी हैं इनके ये फ़ोन नंबर दिया गया है, इस फ़ोन नंबर पर कॉल कर लें। कॉल करने का जो टाइमिंग है 10 AM से 4 PM है, इसके बीच में ही कॉल करें, यहाँ पर ये आप लोग का यहाँ इस वक्त कभी भी कॉल कर सकते हैं। तो गाइस इस पर कॉल करके जा सकते हैं, मैं फ़ोन नंबर भी दे रही हूँ। इससे बेटर वैकेंसी आप लोगों के लिए मिलती है तो आप लोग इसे छोड़ सकते हैं, उसके बाद जा सकते हैं। तो मैं इसीलिए बोलूँगी जब तक आपके पास कोई भी वैकेंसी नहीं है तो आप लोग इसके लिए जाइए, क्योंकि गाइस इस वैकेंसी में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट मेरी जानकारी के लगे हुए हैं, तो इसलिए मैं आप लोग को 100% श्योर होकर बोलती हूँ कि यहाँ पर आप लोग की 100% श्योरिटी के साथ जॉब लग जाएगी, क्योंकि मैं पहले से ही कॉन्टैक्ट कर लेती हूँ जो आपके HR वगैरह हैं, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं पहले ही कॉन्टैक्ट कर लेती हूँ कि यहाँ पर आप लोग की वैकेंसी है या नहीं है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को
इतना श्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ कि हाँ आप लोग जाएंगे तो वहाँ पर आप लोग का कन्फर्म है सिलेक्शन। तो गाइज वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।